बीते दिनी जलंधर पुलिस ने किशनपुरा इलाके दे ब्रह्मकुंड मंदिर चों व्याह दौरान लाड़ा चक लिया सी जो कोरोना वायरस दे नियमां दियां धज्जियां उड़ा के बरात लेके आया सी। ते सोमवार एक एहो जी घटना जलंधर दे प्रताप बाग च स्थित मंदिर लाल द्वार च वापरी जिथे व्याह समागम च 50 तो ज्यादा बरातियां दी गुप्त सूचना जदों पुलिस नूं मिली तां मौके ते ही बरातियां नूं दबोचना पुलिस ने शुरू कर दिता। इस दौरान पुलिस ने लाड़ा ते लाड़ी नूं मौके तो चक लिया अते परचे दर्ज करन दी प्रक्रिया शुरू कीती, जिस तो बाद मुंडे वालियां ने पुलिस दा जबरदस्त विरोध कीता अते पुलिस वालियां ते पैसे मंगण दे इल्जाम लगाए, जिस तो बाद मौके ते ACP नॉर्थ सुखजिंदर सिंह खुद आए अते उन्हां ने आके किवें स्थिति नूं संभालिया ए बाद च दिखाउंदे आ। पहला जरा व्याह समागम च पे भड़थू दियां ए तस्वीरां देखो किस तरीके नाल लोकां ने थानेदार नूं ही मौके ते घेरा पा लिया। उधर दूजे पासे ACP नॉर्थ सुखजिंदर सिंह ने दस्या कि कानून सब लई इक है, चाहे वह कोई आम व्यक्ति है या फिर सियासी बंदा। समस्या के इतों इनफॉरमेशन मिली सी एस टी साहब नूं भी कोई इत्थे मंदिर विच कोई विआह वास्ते तो गैदरिंग ज्यादा है, इस करके वेरीफाई कर रहे हैं। कोई अपने 50 तो उपर बंदे सीगे, लोगों नूं इहदे बारे अवेयर होना चाहिए, ठीक है ना। इन्हां दे अपनी लाइफ आ, करोना वध रहा आ, इन्हां लोगों नूं चाहिए डिस्टेंस, मास्क, हाथ धोने, ये तीन चार जिहड़ियां चीज़ां तो जरूरी होनी चाहिए। विआह तो चलते ही रहने, पर जब जे असीं सिक्योरी है नहीं विआह का की फायदा। साडे लई सारे बराबर आ, सानू कोई नहीं हैगी इदां दी कोई इंस्ट्रक्शन है नहीं गी, ना कोई दो ला। मेरी गल सुनो, मैनूं इहदा जवाब दे दिओ, ना कोई साडे कोल इहो जिही इंस्ट्रक्शन आ वी कोई कानून दो चलाओ। इक्को ही कानून आ, इहदे तहत ही सारी कारवाई होनी, उहदे बारे विधायक रिस्पोंसिबल होगा, मैं नहीं। देखो उहदे कारवाई होनी चाहिए, कारवाई होनी चाहिए आ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਾਇਆ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪੈਲਸ ਨੂੰ ਰਿਟਨ ਦਿੱਤਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਪਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ 183 188 ਤਹਿਤ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਅਜੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਮਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਚਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਸਾਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਅਹਿਤਿਆਤ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਹਕੀਕਤ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।